कल जो कि हमारी प्रत्याशी मैडम शैलजा जी सिरसा के लिए जो हमारी चुन के हाईकमान ने यहाँ पे भेजे हैं उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। कल दोपहर 3:30 बजे सत्यम पैलेस जो कि दिल्ली पुल के पास है वहाँ एक भव्य आयोजन होगा। पूरा हमारा सिरसा हल्के का प्रोग्राम है और सभी साथी हमारे सभी जो टीम है बेंजे की हमारी कांग्रेस की सभी लगी हुई है उसके लिए और सभी मिलजुल के बहुत अच्छा प्रोग्राम करने कल उनका अभिनंदन आप देखेंगे। शहर पूरा उमड़ेगा, लोग जो स्वागत के लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो मौका आ गया है। कल हम स्वागत करके शहर में लेके आएंगे और इसके बाद भारी मतों से जो पब्लिक उनको जिताने के लिए तैयार बैठी है आपको पता है, आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, लोग यही इतने दिनों से किसी प्रत्याशी के आने से पहले ही एक हवा बन जाना बहुत बड़ी बात होती है कि वो आएंगे तो वो जीतेंगे। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे शैलजा का, हालांकि अभी तक पहुंचे नहीं थे, टिकट निकले नहीं थे, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन में वो चल रहे थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पब्लिक का अभिवादन किस तरह का? देखो पब्लिक का ही धन्यवाद है क्योंकि उनको लगा भाई हमारी आवाज़ शैलजा जी ऊपर तक अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पिछले 10 साल जो बीते हैं उसमें आपने देखा यहाँ पर कोई ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं था जो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए और पहुँचा के वो मनवाए सरकार से, तो हमारा इलाका पूरी तरह से पिछले 10 साल में पिछड़ गया। तो उसके लिए लोगों में इंतज़ार था भाई कोई ऐसा हमारे को कंधा मिले जिसको हम पकड़ के आगे निकलें और दिल्ली तक और चंडीगढ़ तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो मजबूती के साथ बहन शैलजा जी ही उठा सकते हैं। कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई जा रही है? बिल्कुल, सब लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी सब लगे हुए हैं और भी जो हमारी टीमें हैं सब लगी हुई हैं, सब अपने अपने काम पर लग गए हैं, सिर्फ एक मैसेज करने की देर है, लोग तैयार बैठे हैं और कल पब्लिक पूरी उमड़ेगी, आप खुद देखेंगे, आप वहाँ होंगे। कल हमारे सिरसा का और कालांवाली का है, कल सिरसा में सत्यम पैलेस से हम स्वागत करके वहाँ से लेके हम अंबेडकर चौक, सुरखाब चौक, जगदेव सिंह चौक, रोड़ी बाजार होते हुए कांग्रेस भवन कल फिर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ समापन होगा। ऐतिहासिक रोड शो रहेगा? बिल्कुल, आप देखेंगे बहुत बड़े लंबे टाइम बाद एक आप अच्छा रोड शो देखने जा रहे हैं सिरसा में, क्योंकि बीजेपी ने जो पिछले जुमले छोड़े थे उनके खिलाफ लोग भी सड़कों पे आएंगे, आप देखेंगे।